Hello students, let us start our second chapter. We have studied till the terrestrial animals. Animal classification kiya tha humne. Usse pehle humne kya kiya tha? First chapter mein plant classification. In the same way we classified the animals. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एनिमल हैबिटेट, जो नेचुरल होम होता है एनिमल्स का, जो उनका प्राकृतिक घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं. और हैबिटेट वो होता है जहाँ पर वो अपना फूड, वाटर, शेल्टर सब कुछ वहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज नोन एज द हैबिटेट. जैसे प्लांट्स हमारे एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इन द सेम वे एनिमल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड द लैंड एनिमल्स. उसमें भी हम उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से थे, जो हमारे लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. अब जैसे आपका पोलर बियर था, वो आपका कहाँ रह सकता था, बर्फ़ वाले एरिया में, डेजर्ट में कौन सा रहता है, कैमल, और प्लेन्स में कौन सा रहते हैं आपके, जेब्रा रहते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द एक्वेटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो आपके पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक का मतलब ही क्या होता है, टू लिव इन वाटर, एंड एक्वा मीन्स वाटर. अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये पानी में कैसे रह सकते हैं, जो फिश होती है, फिश हैव अ गिल्स टू ब्रीथ, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स में सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स होती हैं, और स्विम करने के लिए क्या होता है, फिन्स होती हैं. यू मे लुक हेयर एट द पिक्चर ऑफ अ फिश, दीज आर द गिल्स ऑफ अ फिश थ्रू विच दे कैन ब्रीथ, एंड दीज आर द फिन्स ऑफ अ फिश थ्रू विच दे कैन स्विम. गिल्स से सांस ले सकती हैं फिश, और ये इनके फिन्स होते हैं जिनसे ये क्या कर सकती हैं, स्विम कर सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जैसे वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं. ठीक है, इनको हम, ये एक्वेटिक एनिमल्स तो हैं लेकिन हम इनको फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. क्यों रखते हैं मैमल्स की कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर. पेंगुइन्स के क्या पास क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं. आप ये पेंगुइन्स की पिक्चर देखो, इसमें जो इसके साइड में ये इसके छोटे छोटे विंग्स टाइप से होते हैं, इन विंग्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लिपर्स बोलते हैं पेंगुइन्स के, जिसकी हेल्प से ये पेंगुइन्स क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं वाटर में. डक्स हैव वेब्ड फिट दैट हेल्प देम टू स्विम. जो हमारी डक्स होती हैं उनके क्या होते हैं, वेब मीन्स जालीदार जो उनके पैर होते हैं, उनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम फास्टर. जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तीन पार्ट्स दिखाए थे अभी, जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी उसमें क्या क्या था, फिश के गिल्स, फिन्स और स्केल्स. क्या होता है कि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी से जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे, उसकी हेल्प से ही वो फास्ट स्विम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आपके वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं. अब ये क्या हमारे एक्वेटिक हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं. ओके, जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. ओके, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टॉड्स, टॉड्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रॉग, लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर. दीज आर नोन एज एम्फीबियंस. These animals have specific features that help them to survive both on the land and in water. अब इनके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनको लैंड पे भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये और वाटर में भी रह सकते हैं. They have webbed feet that help them to swim in water. पहले भी आपको यही बताया था, जो ducks होती हैं उनकी webbed feet की वजह से वो क्या कर सकती हैं, swim कर सकती हैं. In the same way amphibians के भी क्या होते हैं आपके, वेब्ड फिट होती हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर सकती हैं. एंड दे हैव स्ट्रॉन्गर हिंड लेग्स देन द फ्रंट लेग्स विच हेल्प देम टू जंप ऑन द लैंड. अब इनका क्या होता है कि जो पीछे वाले इनके लेग्स होते हैं, हिंड लेग्स क्या होता है, जो पीछे वाले लेग्स हैं इनके, जो इनके पीछे वाले लेग्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू द इनके जो आगे वाले लेग्स होते हैं, फ्रंट लेग्स से, जिसकी वजह से ये लैंड पे जंप कर सकते हैं इजीली. ओके,
दे हैव लंग्स टू ब्रीथ बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन। ठीक है, अब ये लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकते हैं लैंड पे, लेकिन अगर ये पानी में होंगे तो ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, अपनी स्किन के थ्रू ये सांस लेते हैं। ऑल फ्रॉग्स स्टार्ट लाइफ एज एक्वेटिक टैडपोल्स। टैडपोल्स क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स का स्टार्टिंग लाइफ होती है, लार्वा लार्वे होता है जो इनका, मतलब जब ये इनका बर्थ होता है, दिस इज नोन एज अ टैडपोल्स। ब्रीथिंग अंडर वाटर थ्रू इंटरनल गिल्स एंड देयर स्किन। जब ये टैडपोल्स होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स, उस केस में ये क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू और अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, लेटर मोस्ट डेवलप इंटू लैंड एनिमल्स विद लंग्स फॉर ब्रीथिंग एयर। ओके, फ्रॉग्स लूज देयर गिल्स व्हेन दे ग्रो। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, ये अपने गिल्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ओके, जब ये बहुत ही छोटे होते हैं, जब इनका बर्थ होता है, तो इनके पास गिल्स होती हैं, स्किन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, दे लूज देयर गिल्स टू ब्रीथ। ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई हुई है, स्टार्टिंग में देखो ये आपके एग्स होते हैं, उसके बाद ये स्टेज में आते हैं, फिर एक्वेटिक टैडपोल्स। इस स्टेज में इनके पास क्या होते हैं, गिल्स और स्किन होती है। फिर इसका ये स्टेज आती है, देन फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, ये एक एम्फीबियन बन जाते हैं। यहाँ टैडपोल्स क्या होते हैं, आपके सिर्फ पानी में ही रहते हैं, लेकिन जब ये ग्रो करते हैं एज अ फ्रॉग, तो ये आपके लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े होते हैं, तो इनके गिल्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और इनके पास क्या हो जाता है, सांस लेने के लिए लंग्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, थिंक साइंस में आपको दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो स्विम अंडर वाटर, कैन दे बी कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स और नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पानी के अंदर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, अंडर वाटर, बट आर दे एक्वेटिक एनिमल्स और नॉट, गिव, हमें इसके लिए क्या देने हैं, रीजन बताना है। अब हम इनको एक्वेटिक एनिमल्स तो नहीं बोल सकते ना, एक्वेटिक एनिमल्स तो वो होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या है, स्विम करता है उसके अंदर। ओके, तो क्या होता है, जो फिश होती है वो आपकी क्या करती है, पानी से ऑक्सीजन लेती है थ्रू देयर गिल्स, गिल्स के थ्रू सांस लेती है, तो दैट मीन्स क्या कर रही है, वो ऑक्सीजन ले रही है पानी से। लेकिन जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका क्या होता है, लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, लंग्स में क्या होता है, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होता, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि वो इतनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। हमारे लंग्स पे क्या होती है, एक तरह से लाइनिंग बनी हुई होती है, वो जो लाइनिंग होती है वो एयर को हैंडल कर सकती है, वाटर को हैंडल नहीं कर सकती, तो हम उस वाटर से ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी पानी के अंडर वाटर जाता है ह्यूमन बींग, तो क्या करता है, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स को हैबिट नहीं होती उस वाटर से ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम पानी से ऑक्सीजन ले सकें। ओके, नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं, यहाँ पे देखो ये बॉय क्या कह रहे हैं, लुक एट द मंकी ऑन द ट्री, मंकीज लिव ऑन द ट्रीज, विच कैटेगरी डू दे बिलोंग, आई थिंक दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दिस गर्ल इज सेइंग दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बट दिस अंकल इज सेइंग दैट दे मोस्टली लिव ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज पे रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, मंकी एंड द कोआला बियर, ये आपके किस पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। अब इनके पास क्या होता है, दे हैव शार्प क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है, पंजे, दैट हेल्प्स देम टू क्लाइंब अप एंड डाउन द ब्रांचेस, इनके जो पंजे होते हैं उनकी मदद से ही ये पेड़ों पे चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टेल होती है एंड लिम्स फॉर होल्डिंग ऑन टू द ब्रांचेस। लिम्स क्या होते हैं, जैसे जो हैंड्स और लेग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के भी, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं जिनसे हम मैक्सिमम अपना काम करते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग टेल और लिम्स होती हैं जिससे ये ब्रांचेस को होल्ड करके रखते हैं. ओके, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स. नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स वो होते हैं आपके जो फ्लाई कर सकते हैं और अपना मोस्टली टाइम हवा में ही स्पेंड करते हैं. ठीक है, बर्ड्स ऑल्सो लिव ऑन ट्रीज. आर दे ऑल्सो आर्बोरियल एनिमल्स? नो, बर्ड्स आर नॉट आर्बोरियल एनिमल्स. बर्ड्स नॉट ओनली लिव ऑन ट्रीज बट कैन ऑल्सो फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स हमारे ट्रीज पे तो रहते हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में. सो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एरियल एनिमल्स, दोज वो स्पेंड देयर मोस्टली टाइम इन द एयर. ओके, वी आर ह्यूमंस, वी डू नॉट हैव विंग्स. इफ वी गेट विंग्स वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू फ्लाई लाइक बर्ड्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अगर हमारे पास फ्लाई, अगर हम बर्ड्स की तरह फ्लाई आ जाए हमारे पास, तो क्या हम फ्लाई कर सकते हैं? हमारा क्या होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन मैंने जो हल्की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही फ्लाई कर सकती हैं. जो बर्ड्स होते हैं उनका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हल्का होता है. ठीक है, उनका वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है. दैट्स वाई दे कैन फ्लाई. अगर हमारे पास फ्लाई विंग्स आ भी जाएंगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है. हल्की चीज़ें ही उड़ सकती हैं, भारी चीज़ें उड़ नहीं सकती. ओके, सम बर्ड्स सच एज एमू एंड ऑस्ट्रिच डोंट फ्लाई. अब एमू और ऑस्ट्रिच क्या हैं, इसीलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि उनके क्या होते हैं, हैवी बोन्स होते हैं. उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं. दे आर ऑल्सो कैटेगराइज इन दिस ग्रुप. बैट्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी. बर्ड्स हैव होलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट. दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई इन द स्काई. दे हैव वन सेट ऑफ लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स टू फ्लाई. अब इनका क्या होता है, बटरफ्लाई, बैट, बी, ईगल, इनके जो लिम्स होते हैं इनको किस तरह से विंग्स की तरह से मॉडिफाई किया गया है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. बोन्स क्या होते हैं, होलो होते हैं. होलो मीन्स खोखले. ओके, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और ये अब क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे.